आगे के कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 के, अब मैं उन्हें बताने जा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 10, देखिए इनका जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कि सरल करो, तो टेन इनवर्स 3a² x - x³ / a³ - 3ax² बेटा जब इनको सरल करेंगे तो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि ये जो इनवर्स के सामने वाला पार्ट है इसको आप चेक करें कि ये एलजेब्रिक है, तो इसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करेंगे, ये बात मैंने बताई थी। अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा के इसको आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप देखें 3a² x - x³ पूरा का पूरा एलजेब्रिक है, बेटा एक्स का मान रखना पड़ेगा हमने, तो एक्स बराबर ए टेन थीटा रखने पर। अब तुम कह रहे होंगे ए टेन थीटा क्यों, बेटा जब ए रखेंगे यहाँ तो ए का क्यूब, यहाँ भी ए रखेंगे ए का क्यूब, तो ए का क्यूब कॉमन, नीचे से भी कॉमन, ए क्यूब खत्म हो जाएगा। और बेटा टेन इसलिए रखा क्योंकि ये फॉर्मूला बनेगा। देखो ये बात तुम्हारी समझ में तब आ सकती है अगर तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है, और बेटा अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है फिर थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। तो उनको अभी भी मैं कह रहा हूँ जिसकी याद नहीं उनको याद कर लो अच्छे से समझने के लिए। तो रखे बेटा जरा, यहाँ आया तुम्हारे पास टेन इनवर्स और ये आया आपके पास 3a² और एक्स एक्स के बदले हमने रख दिया ए टेन थीटा माइनस एक्स क्यूब, तो ये हो गया बेटा ए क्यूब टेन क्यूब थीटा, और पूरे के अपॉन में आया हमारे पास ए क्यूब, तो ए क्यूब माइनस ये है 3a x² एक्स स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही होगी बात यहाँ तक। अब बेटा आप देख रहे टेन इनवर्स, ऊपर से ए क्यूब कॉमन आ गया, तो जब ए क्यूब कॉमन आया तो अंदर जो बचा हमारे पास वो क्या बचा 3 tan θ। देख रहे बेटा आप ए क्यूब ऊपर से भी कॉमन नीचे से भी कॉमन, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, और ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास टेन इनवर्स टेन 3θ। बेटा 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये आ गया 3θ। अब थीटा का मान वापस रखने पर, बेटा थीटा का मान कैसे रखोगे आप, आपके पास x बराबर a tan थीटा था, तो यहाँ से आप चेक करें x अपॉन a बराबर क्या आ गया tan थीटा, और थीटा बराबर कितना आ गया tan इनवर्स 3 into, तो बेटा थीटा बराबर आ गया तुम्हारे पास tan इनवर्स x अपॉन a, दिस इज द आंसर। तो बेटा इस चीज का पूरा ध्यान रखें कि कैसे हम इसको करेंगे। मैं इसका तुम्हें एक छोटा सा मेथड भी बता रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू आप कैसे पुट करते हो। देखो बेटा तुम्हें पता है कि अगर कहीं आ गया तुम्हारे पास 1 + x², तो ऐसी कंडीशन में हम पुट करते हैं टेन थीटा, क्योंकि तुम्हें पता है 1 + tan²θ क्या होता है, कोट स्क्वायर, 1 + tan²θ sec²θ। तो अगर कहीं 1 + x² आ गया तो ऐसी कंडीशन में कोशिश करते हैं टेन थीटा रखने की, टेन थीटा या फिर कोट थीटा, क्योंकि 1 + cot²θ होता है cosec²θ। अगर बेटा आ गया 1 - x², तो ऐसी कंडीशन में कोशिश करते हैं साइन थीटा कोस थीटा रखने, क्योंकि आपको पता 1 - sin²θ cos²θ होता है। और बेटा अगर आ गया तुम्हारे पास x² - 1, तो ऐसी कंडीशन में कोशिश करते हैं sec थीटा और cosec थीटा रखने की, ये बात ध्यान रहे जब मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कोट ऑफ टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए, इसमें भी क्या लिखा हुआ है सरल करो। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं सरल करने वाले, तो बेटा सरल करने वाले में कोट और अंदर आप देख रहे हैं कि टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए, बाय द वे अगर यहाँ भी टेन होता तो फॉर्मूला लग जाता टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, और बेटा फॉर्मूला याद भी कर लो अभी, तो क्या टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है ना हमारे पास, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - xy। तो लेकिन बेटा यहाँ टेन है तो नहीं, तो इस कोट को टेन में कन्वर्ट कर दो, तो कोट और टेन का तो रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला होता है, तो इसको तुमने लिखा टेन इनवर्स ए और कोट इनवर्स को लिखा तुमने टेन इनवर्स 1 / a। समझ में आ गई होगी बात। अब बेटा इट इज टेन इनवर्स एक्स, ये काहे का काम करेगा एक्स का, इट इज टेन इनवर्स वाई, ये काहे का काम करेगा वाई का, बाहर कोट है तो कोट को आप एज इट इज रहने दे, और अंदर फॉर्मूला लगा दे बेटा यहाँ से, क्या फॉर्मूला लगाया यहाँ से तुमने टेन इनवर्स x + y यानी a प्लस 1 / a x प्लस वाई और 1 - xy, तो a into 1 / a। क्लियर होगी बात यहाँ तक।
देख लो आप टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, एक्स इज इक्वल टू ए और वाई इज इक्वल टू वन अपॉन ए, ए से ए कैंसिल, तो ये आ गया बेटा तुम्हारे पास कोट ऑफ टेन इनवर्स इन्फिनेटिव, वन में से बन गया जीरो और इन्फिनेटिव। अब बेटा इन्फिनेटिव की वैल्यू टेन की टर्म में रखेंगे ताकि ये खत्म हो सके, तो ये आया कोट ऑफ, यहाँ देखो बेटा आप कोट ऑफ टेन इनवर्स टेन पाई बाय टू, तो बेटा टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, कितना रहेगा पाई बाय टू, तो पाई बाय टू कोट के साथ आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास कोट पाई बाय टू होगा आपका जीरो, तो जीरो ही तुम्हारा आंसर। तो बेटा कोई चीज समझ में नहीं आ रही, आप इसको नेक्स्ट वीडियो मेरे से पूछ लें, कोई टॉपिक समझ नहीं आया हो, कहीं कोई दिक्कत आ रही हो उसको आप पूछें, मैं कल फिर से तुम्हें वीडियो भेज दूंगा, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, आप मन लगा के काम करें, फिर टेस्ट भी लूंगा मैं एक दिन तुम्हारा, 10 में तो फाइनल है ही, उससे पहले मैं भी तुम्हारा एक टेस्ट लूंगा। तो बेटा एक और क्वेश्चन और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13, ये आया टेन वन बाई टू साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। तो बेटा यहाँ भी हमें सरल ही करना है, तो बाहर तो कुछ हो ही नहीं सकता, हाँ अंदर के इनवर्स खत्म करे जा सकते हैं, इनवर्स खत्म करने का तरीका क्या बताया था बेटा, एक्स की वैल्यू रखते हैं जिससे फॉर्मूला बन रहा हो, तो अगर तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हो, मैं फिर से बार बार तुम्हें एक ही बात समझा रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, बेटा अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है तो बहुत कुछ कर जाओगे, नहीं याद है तो बहुत कुछ दिक्कत में रहेगी। अब जैसा ये है तो मैंने क्या रख दिया यहाँ, एक्स बराबर साइन थीटा रखने पर, बेटा एक्स बराबर साइन थीटा इसलिए रखा क्योंकि फॉर्मूला टू साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, साइन टू थीटा। ओके ऐसे ही यहाँ आगे, सॉरी गड़बड़ कर दिया इसमें, एक मिनट बेटा, एक्स बराबर साइन थीटा नहीं टेन थीटा, गड़बड़ हो गया था, एक्स बराबर टेन थीटा, टेन थीटा जब हम रखेंगे तो टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये होता है आपका साइन टू थीटा का फॉर्मूला। ऐसे बेटा इधर वाई बराबर हम रख देंगे ऐसे टेन फाई रखने पर, समझ गए आप लोग, एक तरफ मैंने थीटा ले लिया एक तरफ फाई, आप चाहो तो ए बी भी ले सकते हो, कोई बाउंडेशन कुछ नहीं है। तो बेटा रखे जरा फॉर्मूले को, तो बेटा ये आया तुम्हारे पास टेन वन बाय टू साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर फाई अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर फाई। तो यहां तक की बात मुझे उम्मीद है समझ आ रही होगी, तो टेन वन बाय टू साइन इनवर्स ये हो गया बेटा तुम्हारा साइन टू थीटा प्लस ये हो गया तुम्हारे पास कोस इनवर्स और कोस टू फाई। तो आप देख रहे बेटा साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा और यहाँ कोस इनवर्स से कोस खत्म हो जाएगा, तो ये आ गया तुम्हारे पास टेन वन बाय टू और अंदर जो बचा टू थीटा प्लस टू फाई। बेटा हमने एक काम किया, अंदर से टू कॉमन ले लिया, अंदर बची आपके पास थीटा प्लस फाई, तो टू से टू भी कैंसिल हो गया। अब आपने क्या लिखा है यहाँ पर, थीटा व फाई का मान रखने पर, तो बेटा थीटा व फाई का मान जब आपने रखा तो टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास टेन इनवर्स एक्स, तो ये होगी तुम्हारे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस और दूसरी हो जाएगी तुम्हारे पास टेन इनवर्स वाई। तो बेटा टेन तो पूरे के बाहर है ही, इसको तो आप एज इट इज रखेंगे ही, अंदर आपने टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, तो क्या आया फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, तो ये आ गया एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, दिस इज द आंसर। बेटा समझ में आ रही होगी बात, मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी तुम्हें, कोई दिक्कत आएगी तो आप नेक्स्ट वीडियो में उसको पूछें, बिल्कुल भी चिंता ना करें। बेटा एक क्वेश्चन और बताने जा रहा हूँ मैं लगे हाथ तुम्हें, इनमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन नंबर 14, ये कहता है साइन फिर ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1 बाय 5 प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर 1। बेटा हमने एक काम किया, इस पूरे पार्ट को तो यहीं रोक के रखा और बेटा ये साइन को इधर ले गया, तो कितना आ गया तुम्हारे पास ये साइन इनवर्स 1 बाय 5 प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स और ये आ गया तुम्हारे पास 1। बेटा साइन इनवर्स 1 है तो 1 की वैल्यू अगर मैं साइन की टर्म में रख दूं तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो सकता है, तो इधर वाले को मैंने एज इट इज नोट किया, साइन इनवर्स 1 बाय 5 प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर, तो बेटा साइन इनवर्स और 1 साइन में कितने की वैल्यू होती है हमारे पास, साइन पाई बाय 2 की, समझ रहे हो, हमारे पास साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल,
तो ये आ गया तुम्हारे पास साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x और बराबर हमारे पास पाई बाई टू। तो बेटा यहाँ आप चेक कर रहे हो, एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था तुम्हें कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर पाई बाई टू। तो बेटा यहाँ भी तो x की वैल्यू 1/5 होगी, तभी तो पाई बाई टू आ रहा होगा रिजल्ट। तो आप इसके अंदर लिखे कि तुलना साय से करने पर साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर पाई बाई टू से करने पर, तो बेटा x बराबर कितना आ गया तुम्हारे पास 1/5। दिस इज द आंसर। तो बेटा बेस्ट ऑफ लक, इस काम को करे, एक्सरसाइज के जितने भी बचे क्वेश्चन है मैं होमवर्क लिख दू। होमवर्क में 2.2 के ऑल क्वेश्चन, 2.2 के ऑल क्वेश्चन जितने तुम्हारे रह गए थे उनको आप करोगे, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत आएगी मेरे से पूछोगे। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, बहुत ही इजी पोर्शन है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। कोई एग्जांपल छूट गया तो उसको भी तुम कर ले, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है।